निसी पता केस काणी तांचा ए होएगा ए निसी पता कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड दी मौत लेके आईया। जय पक नत्ता दी रवायत के मुताबिक किसी जवान ते अथरे नत्त दे सिर ते रख दी जाए ते जा जाके नूरी नू कैद खाने चो बाहर लिया। इसमें एक बेले च दो शेर नहीं रह सकते, एक जागीर च दो बब्बर शेर नहीं रह सकता है। नाजरीन, मैं तनवीर जमान खान TZ के टीवी यूट्यूब चैनल तो थोड़ी सेवा में हाजिर हाँ। अज मैनू असल दे विच कई दिनों तो जदों दी नवी मौला जट फिल्म आई है उदों दा मैं सोचता रहना तो मेरे जहन च कई बारी मंजर आंदा है कि पाकिस्तान दे सियासी हालात भी इंज ही ने जिवें मौला जट फिल्म चलती पई है। असी इहदे ते गलबात करने थोड़ी जी। मैनू इहदे ते साडे जिहड़े वड्डे एक राइटर ने मुहम्मद हनीफ साहब जिन्हां दी किताब सी द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज जिहड़ी ज़िया-उल-हक़ दे उत्ते उन्होंने उस वेले लिखी सी और वो एक वड्डे साफी भी ने इत्थे BBC दे विच लंदन दे विच उर्दू सर्विस दे हैड भी कर रहे ने ते इस तों इलावा इन्हां दे जिहड़े काम है वो इत्थों दे गार्डियन दे विच न्यूयॉर्क टाइम्स दे विच ते अपने दूसरे होर बहुत सारे अखबारां च डेली टेलीग्राफ वगैरह दे विच भी जिहड़ा ना वो देखण नूं मिलदा रहिंदा है। इन्हां दा काम जिहड़ा वो सारा एक बहुत एक रियलिस्टिक और सारा उहदे विच कई दफ़ा ऐसी छोटी जी गल नूं भी इन्ने आसानी दे नाल पेश करदे ने। ते मेरा एक पिछले दिनों एक BBC दी वर्ल्ड सर्विस तो ही एक इन्हां दा एक टोटा छोटा जिहा सुनने का इतफाक होया तो वह मैनू बड़ा पाकिस्तान की सूरत हाल रैलीवेंट लगे। उन्होंने वो जिक्र भी वह किया मौला जट के हवाले नाल ही है तो मैं वो भी सुनवाना। उस तो बाद असीं छोटी जी गलबात करांगे उहदे नाल तुहानूं एक तुसीं इंजॉय भी करोगे। तो हनीफ साहब साडे दोस्तां विचों ही ने ते इन्हां दी एक जिहड़ी गलबात सी ओह असीं मैं तुहाडे नाल शेयर करना। असीं मैट्रिक दा इम्तिहान दे के लाहौर शहर दीयां बत्तियां वेखण गए ते दो काम होए। जनरल ज़िया-उल-हक़ आला मार्शल लगा सी, उन्होंने भुट्टो नूं फायला छड्या। उस तो थोड़ी देर बाद एक फिल्म रिलीज़ हुई जिहदा नाम सी मौला जट। फिल्म ने खिड़की तोड़ रश लिया तो इन्नी चली भी लोगों को वो डायलॉग याद हो गए, बल्कि इंज समझ लो कि वो डायलॉग पंजाबी जुबान के मुहावरे बन गए। फिल्म का एक विलन सी नूरी नत्थ, एक अखड़ बदमाश जिन्हों ना जेल च कैद पा सको जो उन्होंने कोड़े मारो तो स्वाद खावे, एक पिंड तो दूसरे पिंड जावे ते अपने जोड़ दा दुश्मन लभदा फिरे। फिल्म दा हीरो सी मौला जट जिहड़ा गंडासा चुक्की घोड़ा इधर उधर नसा के इज्जतां बचाउंदा फिरदा सी। लेकिन सच्ची गल इह है लोकां नूं नूरी नत्त ही याद रहा। उहदे डायलॉग इन्ने क मशहूर होए कि जिहड़े फिल्म दे लिखारी सन नासिर अदीब साहब उन्हां दे बारे च कहा गया कि पंजाबी जुबान नूं एक नवां शेक्सपीयर मिल गया। हुण 40 वरे बाद फिल्म दुबारा बनी तो लोगों को फिर एक बारी नूरी नाती चंगा लगा है। नासिर अदीब साहब ने एक इंटरव्यू फरमाया है कि जो उन्होंने पहली मौला जट लिखी सी तो मुल्क मार्शल लगा सी तो उन्होंने नूरी नात को विलन बना के मार्शल का जुल्म विखाया सी ते मौला जट आवाम की आवाज़ सी। लेकिन साड़ी आवाम की मत भी पुठी है, उन्होंने उदों भी नूरी नात चंगा लगा सी ते हुण भी अज दा नूरी नात इमरान खान है जिहड़ा रोज़ हर नवें शहर जाके ललकारदा है बई कोई मेरे जिहा जना है ते सामने आवे। पुरानी मौला जट विच नूरी नात नूं पुछया जांदा है कि बई तू चाहना की है। उहदा जवाब पूरी नस्ल नूं याद है। वो आंदा है बई मैं ये जुड़िया पिंडा वक्खो वक्ख वेखना चाहना, आखिर ये धरती नत्त दे लहू दा रंग कदों वेखेगी। इमरान खान भी इसे अवामी जुबान च गल करदा है, आओ मैनू फड़ो, मैनू जेल पाओ, इलैक्शन का पेड़ लाओ, इस धरती पर कोई जमया है तो सामने आवे, हथों हथी लड़ा लो या इलैक्शन करा लो, मेरा कुछ करो नहीं तो मैं शहर शहर जाके यो ही ललकारदा रहांगा, गोली मारनी जे तो मार लो, तो गोली लगी भी तो इंज उठ के खलोता जिवें पंजाबी फिल्मां दा हीरो खलोंदा। ते नाल फरमाया कि अल्लाह ने मैनू इस लई दोबारा जिंदगी दित्ती है मैं तुहानूं सारिआं नूं सिद्धा करके जावां। पाकिस्तान विच अज तक किसी वजीर आजम की फौज नाल नहीं बनी, कोई फांसी चढ़िया, किसी ने गोली वजी है, किसी ने देश निकाला मिले है। तो फौज भी हर वजीर आजम लिए मौला जट का एको ही डायलॉग इस्तेमाल कर दी है, बहन तू नवा आया सोहणिया। सियासतदानों हमेशा फौज ने गद्दार कह के फारग किया है। हुण साडा नूरी नाथ सीने ते हथ मार के फौज नूं गद्दार कहंदा है ते अवाम ताड़ियां मारदे ने। खान दे वैरी भी बड़े ने, वो आंदे ने भी ये मौला जट का कोई करैक्टर नहीं बल्कि इमरान खान आप पूरी फिल्म है, फौज ने इनू बनाया सी। हुण फौज नूं तड़ियां मारदा है ते रात नूं उन्हां दे तरले करदा है। किसी ने आख्या खान तो ज़्यादा वो किसी फिल्म का वो गाना लगता है जिहदे च कहा गया सी भी माँ का लाडला बिगड़ गया, माँ का लाडला बिगड़ गया, मुंडा साडा घोड़ी चढ़िया बैंड बज गया, माँ का लाडला बिगड़ गया। चलो अगर मान लीए भी इमरान खान अज का नूरी नाते तो फिर मौला कौन है? फिल्म मौला जट में आखिरी जित मौला जट दी हुंदी है, लेकिन वह बस एको ही डायलॉग लोगों को याद रह गया सी। वो ये सी भी मौले नूं मौला ना मारे तो मौला नहीं मार सकता। नूरी नाथ फिल्म में जिन्ना भी गज लवे आखिर ते उन्होंने अपने हथीं अपनी लत्त वढ़ के जान छुड़ानी पैंदी है। इस दफ़ा सैट वक्रे ने, एक्टर भी होर ने, डायरैक्टर भी बदल गए ने, लेकिन असी यही आख सकने हाँ कि तुसी नवें आए हो सोहणिओ, असी ये फिल्म पहले भी देखी है। तो बाकी जिहड़ा मौला जट का एको ही डायलॉग सी उन्होंने बदल के कुछ इंज कर लो भी बाजवे नूं बाजवा ना मारे तो बाजवा नहीं मर सकता। फिल्म का इंटरवल आन लगा जे, दुआ करो भी ये धरती नत्त दे लहू का रंग कदी ना वेखे ते साडा जुड़िया पिंडा भी एक बारी फेर वक्खो वक्ख ना होवे। रब राखा। ये तुसी हनीफ साहब होना दी आवाज़ विच ही उन्हां दी एक गलबात सुनी, उन्हां दा ये राइट अप सुनिया जिहड़ा पंजाबी दे विच ही उन्हां ने लिखिया, बीबीसी तो नशर होया। असल दे विच ते ये सारी गल ते अपनी जगह ते हकीकत ही है, लेकिन लगता मैनू ये है कि ये नूरी नत्त तो हैगा है, पर ये नूरी नत्त का ना हमीद गुल नूं पता लगा सी ते ना ही पाशे नूं समझ आई सी। ये उस वेले उन्हां दे नाल ते बड़ा मिठा मिठा बन के ते इन्हें अपना जिहड़ा मुकाम बनाना सी उन्हां दे कोलों बनवा लिया। हुण इन्हें रौला पाया है कि तुसीं मूँह मोड़ के ते विखाओ, मैं ते तुहाडे टोटे कर देवांगा, मैं ते तुहानूं लड़ा देवांगा। हुण ये जिहड़ी गलबात है कि तुसीं मेरा इच्छा छड़ किवें सकदे हो, मैं तो तुहाडे तो बगैर ना चलना है तो ना चल सकना वा, तो मैं तुहानूं छड्डण भी नहीं देना। यह जिहड़ी नज़रिया है ये एक अपने तौर के उत्ते मैं समझना एक बड़ा मनफी जिहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान की सियासत दे विच जिहड़ा एक फौज का अमल दखल है वह घटना चाहिए। फौज जिहड़ी उत्ते मोहरे बना के शायद उन्होंने एक जिहड़ी शतरंज की खेड विछाई हुई है और उहदे चो कदी घोड़े नूं चुक के ढाई ते रखते हैं, कभी तीन ते रखते हैं, कभी उसकी जगह पर फीला लिआंदे ने, कभी उसकी जगह के उत्ते दूसरे मोहरे लिआंदे ने, कभी प्यादियां नूं आपस लड़ा रहे हैं। एक खेड है जिहड़ी, क्योंकि इस खेड तो तंग ने, वो कहते हैं कि इस खेड नूं बदलना चाहिए, इस खेड नूं जिहड़ा वह हटना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि लोगों के कोल पाकिस्तान के विच कोई ऐसा मुतबादल नहीं है, कोई ऐसा उहदा बदल को कोई नहीं कि जिहड़ा कि वह सारी चीज़ नूं बदल सके। लोकी जिहड़े ने उस जरदारी तो ते पीपल पार्टी दे पुराने चेहरियां तो उस तो बाद नवाज शरीफ दे पुराने चेहरियां तो ते मौलाना फजल दे सारे पुराने सारे सिलसिले तो तंग सन। उहदे नतीजे च लोग समझते हैं, हालांकि 3.5 साल इन्हें कम दिखाया है, सूबा KPKV दे कोल है, लोगों को उहदे बावजूद लोग ये जादू दे विच हाले तक घिरे ने। उहदे वजह बुनियादी हैगी है कि जिहड़ी उत्ते एस्टैब्लिशमेंट बैठी है जिन्हों ने इनू नत्त समझने च गलती की और अज ये उन्होंने दे अगे खलो गया है। अज जिहड़ी सीधी लड़ाई आपस दे विच पई है उहदे नतीजे दे विच लोग जिहड़े ने वो इहदे पिछे लगे ने। ये अमरीका नूं गाल कड्ढदा लोग खुश हुंदे ने इस गल तों, ते इह जिहड़ियां चीज़ां ने इह सारियां दियां सारियां सानू ऐसे जगह ते ले आईयां ने। असीं हुण इस वेले ऐसे उस हफ्तियां दे विच दाखल हो रहे हैं जिहदे च इस गल नूं कहा जा सकता है कि शायद उत्थे कोई वड्डा खड़ाक होने वाला है। इंज लगता है कि अगले 2-3 हफ्तियां दे विच कोई वड्डा खड़ाक आएगा जिहदे नाल कोई शायद उहदी मुल्क की शक्ल फिर बदल जाएगी। लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह खड़ाक जिहड़ा है ये कोई साडे जिहड़े पुराने भाईए ने सिविलियन सारे जिहड़े ने नवाज शरीफ ते जरदारी ते दूजे तीजे या इमरान खान इन्हां को फायदा हो जाएगा। मैनू लगता है कि इस खुराक के नतीजे किसी के हाथ भी कुछ नहीं आना, लेकिन है कि देखो हाले 2-3 हफ्ते पे ने, असी 2-3 हफ्तियां दे विच वेखने आ कि सूरत हाल की बनती है। तो यह आया मौला जट ते नूरी नाट दे खेड दे विच अल्टीमेटली उत्थे मौला जट जितदा है, फिल्म दे विच ते मौला जट ही जितदा है। लेकिन है कि ये जिहड़ी फिल्म दुनिया दे विच पाकिस्तान दे विच लगी इस वेले जिहदे रियल एक्टर ते रियल सारा कुछ हो रहा है, उहदे विच कौन किहड़ी जगह दे उत्ते आएगा, ये अल्टीमेटली लोगों का भी कोई भला होएगा या सारी घोड़ियां की धूड़ उड़ा के ते लोगों दी अखां 'च मिट्टी पैंदी रहेगी। जिहड़ी मौला जट ते नूरी नाथ फिल्म दे विच घोड़े दौड़दे मिट्टी उड़ाते टुरे जा रहे हैं, ये उंज ही मिट्टी उड़ती जा रही है और ये लोगों की अखां 'च पई जानी है। तो लगता यह है कि बिल आखिर होना जिहड़ा है वो लोगों के भले का कुछ उत्थे हुंदा मैनूं दिखदा नहीं। इहदे विच कसूर के कहदा है ये गल्लां असीं फेर करांगे, क्योंकि तारीख जिहड़ी है वह बहरहाल अपनी जगह पर पई है, असी उन्होंने देखांगे, असी उत्ते गल करांगे। और तुहानूं भी पता है तो सानूं भी पता है कि जिहड़ियां चीज़ां तारीख दे विचों निकल के आ रही ने उन्होंने छेती कीतियां इन्हां नूं मोड़ना इन्हां दे वास दी गल नहीं। जिहड़े तबके उत्थे इकतदार दे विच आए ने उन्हां कोलों लोकां दे भले दी भी कोई उम्मीद नहीं। लेकिन इह किवें होएगा, असी आया को उत्थे तब्दीली लिया सकांगे इह ते सानूं नहीं पता। लेकिन फिलहाल तुसीं मौला जट देखो ते नूरी नाथ दा खड़ाक देखो ते इनू इंजॉय करो। अगले 2-3 हफ्ते का जिहड़ा शो अगे आ रहा है वो तुहाडे लई एक नवी एंटरटेनमेंट लैके आ रहा है, तो उन्होंने तुसीं देखो। उस तो बाद तुहाडे दिल रोवे या तुहाडा दिमाग दे विच भैड़ियां भैड़ियां सोचां आउण, ये तुहाडे मुकद्दरां दी गल है। तुसीं जिहड़ा ना ये अगे शो अपना वेखदे रहो। थैंक यू।